इस वीडियो में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ऑपरेशन के बाद बच्चा जब घर जाता है तो हमें उसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए। सो दिस इज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट आफ्टर सर्जरी एट होम। तो ये स्पेशली वीडियो डायरेक्टेड है जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, केयर टेकर्स हैं बच्चों के, जो इनको संभालेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन 3 से 6 महीने के बीच में और पैलेट का ऑपरेशन 6 महीने से 12 महीने के बीच में सही समय होता है, लेकिन कुछ बच्चे यदि लेट आते हैं तो उनका ऑपरेशन जैसे भी आते हैं उस समय ऑपरेशन करना चाहिए और हम करते भी हैं। तो अब देखें कि ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में बच्चों को की देखभाल जो है नर्सेस करती हैं, डॉक्टर बीच बीच में देखते हैं और जैसे भी ज़रूरत होती है उसका इलाज करते हैं। और एक समय आता है 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद जैसा भी प्रोटोकॉल होता है हॉस्पिटल का और सर्जन का, उस हिसाब से बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं, आप घर ले जाते हैं। तो जब घर ले जाते हैं उसके पहले आपको डॉक्टर या नर्स से सही तरीके से समझ लेना चाहिए कि आपको कैसे कैसे दवाइयाँ देनी है और क्या क्या देखभाल करनी है, वो आपको पूरी तरह डिटेल में बताएंगे और लिख करके भी देंगे, जिसको कहते हैं डिस्चार्ज समरी। उसमें ऑपरेशन के बारे में और दवाई पानी के बारे में और आपको क्या क्या एहतियात बरतनी है वो सब लिख करके हम देते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम लिख करके देते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहला है दवाइयाँ, जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद में दवाइयाँ का रोल काफ़ी कम होता है, बट सबसे पहले आपको हम दवाई के बारे में बताते हैं कि यूजुअली छोटे बच्चों को सिरप देते हैं और कुछ एंटीबायोटिक होती है, कुछ बुखार के लिए दवाई देते हैं और सर्दी खांसी के लिए दवाई देते हैं और कभी कभी विटामिन भी देते हैं। तो ये जैसी भी सलाह देते हैं वज़न के हिसाब से आपको डोज बताई जाती है, वो आपको फॉलो करना चाहिए और समय समय पर देते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है फीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको केवल लिक्विड ही देना होता है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों ऑपरेशन के बाद में केवल लिक्विड ही देना होता है। और लिक्विड में क्या क्या दे सकते हैं, दूध, पानी, नारियल का पानी, दाल का पानी, फ्रूट जूस, टी, कॉफ़ी, जो बच्चे को पसंद हो उम्र के अनुसार में और आपके जो पहले आप देते थे वही लिक्विड ही देनी है, किसी प्रकार की सॉलिड नहीं देनी है। दूध जब भी देते हैं उसके बाद 2 चम्मच 4 चम्मच पानी देना चाहिए ताकि मुंह साफ हो सके। तो इस तरीके से आप लिक्विड डाइट दीजिए। शुरू में बच्चे कम लेते हैं क्योंकि ऑपरेशन का असर रहता है, हॉस्पिटल से जाते हैं तो कम लेते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंट फीड दीजिए। हर आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे में आप उनको फीड दे सकते हैं। तीसरी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली क्लेफ्ट लिप ऑपरेशन के बाद में, कि चोट नहीं लगनी चाहिए। बच्चा जो है कभी गिरे नहीं, और ऐसे बिस्तर पे रखिए जिसमें आप रेलिंग हो। यदि आपके घर में रेलिंग वाला बिस्तर नहीं है तो आप चारों तरफ बिस्तर के कुछ ऐसे तकिए रख दीजिए ताकि बच्चा नीचे नहीं गिरे। हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जो गिर जाते हैं और उसके कारण लिप जो रिपेयर है वो फट जाता है, वो हमको फिर से सिलाई करनी पड़ती है। जो फिर से सिलाई करते हैं तो हम वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं जो पहले ऑपरेशन के बाद होती है। तो इसलिए आपको चोट से बचाना है या गिरने से बचाना है, ये 3 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब आप घर जाते हैं उसके पहले आपको कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना चाहिए, जिसको कोई भी तकलीफ हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकें। अब ये देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यदि सब कुछ ठीक है फिर तो ठीक है, आपको जब बुलाया हफ्ते भर बाद आइए और उसके बाद डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए। एक होता है कभी ब्लीडिंग हो सकती है, स्पेशली क्लेफ्ट पैलेट ऑपरेशन के बाद कभी नाक से कुछ बूंदें आ सकती हैं या मुंह से 1-2 बूंद ब्लड निकल सकता है, जिसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि लगातार खून रिस रहा हो, बह रहा हो, तब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर को हॉस्पिटल आके दिखानी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन कभी कभी सांस की तकलीफ हो सकती है। यदि सांस की तकलीफ है तो आप उसको साइड में लेटाइए या उल्टा लेटाइए बच्चे को, और उसके बाद देखिए यदि सांस ठीक हो जाती है फिर तो ठीक है, यदि सांस की बीमारी ठीक नहीं होती है तो फिर आपको हॉस्पिटल आना चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम होती है सर्दी खांसी, बच्चे जो है उनको बार बार नाक से पानी बहता है,
कभी कभी खांसी हो जाती है, तो उसके लिए डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको दवाइयाँ दी हुई हैं। यदि आपको लगता है कि सर्दी खांसी बढ़ रही है, नाक से पानी बढ़ रहा है, तो आप कांटेक्ट करिए डॉक्टर को और वो सही इलाज आपको बता देंगे। नेक्स्ट होता है बुखार आना। यदि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 101 डिग्री है तो आपको चिंता की बात नहीं है, और उसके लिए यूजुअली हम दवाई लिख करके देते हैं। यदि बुखार बढ़ रहा हो, बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, खाना पीना कम है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जैसा भी वो सजेस्ट करते हैं वो आपको फॉलो करना चाहिए। एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो छोटे बच्चों में होती है, जो पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं, कि बच्चा जो है अंगूठा चूसता है या मुंह में हाथ डालता है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। हमको इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा जो है अपने हाथ से चोट न लगा पाए। यूजुअली तालू के ऑपरेशन के बाद ये ज़्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि मुँह के अंदर ज़ख्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लेफ्ट लिप ऑपरेशन के बाद में कभी कभी बच्चे चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि बच्चा बार बार हाथ डालता है तो आप मिटन पहना सकते हैं या एल्बो में कुछ गत्ते का स्प्लिंट लगा करके आप उसको सीधा रख सकते हैं। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आपको यदि क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन हुआ है तो उसके ज़ख्म का कैसे ख्याल करना चाहिए। यूजुअली हम क्लेफ्ट लिप के ऑपरेशन के बाद जब घर भेजते हैं तो ओपन छोड़ देते हैं ताकि आप उसकी सफाई कर सकें। आप जेंटल उसको वेट स्पॉन्ज से सफाई कर सकते हैं और उसके बाद एंटीबायोटिक क्रीम लगा सकते हैं, और जैसे भी डॉक्टर का नियम होता है उस हिसाब से 5वें से 7वें दिन के बीच में टांके निकालने के लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे अपने आप घुलने वाले टांके लगाते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्लेफ्ट पैलेट ऑपरेशन के बाद सभी टांके ऐसे होते हैं जो अपने आप डिसॉल्व होते हैं, तो उसके लिए टांके निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके बच्चे में काफ़ी कुछ नाक बह रहा हो और नाक की सफाई करनी है तो आप कॉटन बड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉटन बड्स को आप यूज़ करके फेंक दीजिए, उसको बार बार मत यूज़ करिए। कभी कभी बच्चे जो हैं कंप्लेन करते हैं या उनको हो जाता है लूज़ मोशन की बीमारी हो जाती है, तो यदि ज़्यादा लूज़ मोशन होता है तो आपको जल्दी से बच्चे वाले डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए जो घर के आसपास हों, या फिर जिस हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हुआ है उससे कांटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि लूज़ मोशन से पानी का नुकसान होता है, इलेक्ट्रोलाइट चले जाते हैं तो बच्चे को मुश्किल हो सकती है, इसलिए उसको काफ़ी ख्याल करके आपको देखना चाहिए। और असली केयर होता है फर्स्ट वीक में, उसके बाद फिर सब कुछ सेटल हो जाता है। दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते आपको बस ख्याल करनी होती है चोट ना लगे और फीडिंग कैसे देना है। यूजुअली एक हफ्ते के बाद दवाइयां बंद कर देते हैं, लेकिन आपको केयर कम से कम 3 हफ्ते तक के आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, और उसके बाद 3 हफ्ते के बाद बच्चा आपका बिल्कुल नॉर्मल है। आप जैसे उसको नॉर्मल बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।